हेलो दोस्तों दोस्तों जी, मेरे पास है मोबाइल J2 और इसमें है कैमरे की प्रॉब्लम है। जब भी कैमरा फर्स्ट जो सेल्फी कैमरा है उसे ओपन करता हूँ तो कैमरा फेयर की प्रॉब्लम आती है। तो देखिए जे बैक कैमरा है जे खुल जाता है, लेकिन जब मैं सेल्फी कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तब देखना कैमरा फेयर की प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल मेथड है। इसके लिए आपको PC की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए और इसे डाउनलोडिंग मोड पर लाइए, रिकवरी मोड पर लाने के लिए आपको पहले तो पावर बटन ऑन करना पड़ेगा, साथ ही वॉल्यूम डाउन और होम बटन, इन तीनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा तो ये रिकवरी मोड में आ जाएगा। जी देखिए मैं कर रहा हूँ, तीनों को एक साथ प्रेस किया तो ये बताएगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो वॉल्यूम अप बटन प्रेस करो, आप तो आप वॉल्यूम अप को सिलेक्ट करो। देखिए मैंने किया था, जो डाउनलोडिंग मोड में आ चुका है। आप USB केबल से इसे PC से कनेक्ट करें, मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जी मैंने मोबाइल पे जो अपनी जो USB है वो लगा दी है। अब जे डाटा केबल मैं अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए आप कोई भी पोर्ट में लगा सकते हो, जे नहीं है कोई 3.0 में लगाओ, 2.0 में लगाओ, आप किसी भी पोर्ट में लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप जहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये देखिए जी मैंने डाउनलोड पहले से कर रखी है और इसे आप इस फाइल को आप रार फाइल है इसे ओपन कर लीजिए, पहले एक्सट्रैक्ट हेयर कर दीजिए। ये देखिए मैं कर दिया और ये फोल्डर एक और बन चुका है। ये देखिए सैमसंग J2 कैमरा, इसे ओपन कीजिए और इसमें फर्स्ट है ऑडिन 3, इसको ओपन कीजिए और ऑडिन 3 को पर राइट क्लिक करें और रन एज अ सेकेंड, हाँ जस्ट ये सेलेक्ट कीजिए और जस्ट पर क्लिक करें। ये देखिए एडेड आ चुका है आपका फ़ोन जो कनेक्टेड है। अब जो AP लिखा आ रहा है उसे सेलेक्ट करें, उसमें जो आपने फोल्डर था जिसमें ऑर्डर ओपन किया है उसी में है एक फाइल है सेकंड नंबर पर आ रही है सैमसंग की, इसे सेलेक्ट कीजिए, ओपन पर क्लिक करें। अब आप स्टार्ट पर क्लिक कर दो, सिंपली कुछ नहीं करना, स्टार्ट पर क्लिक कर दो। ये देखो आपका फ़ोन है जो ऑटोमेटिक बूट रिकवरी हो चुका है, अब रीसेट हो चुका है। देखिए अब फ़ोन रीस्टार्ट होगा और आप डाटा केबल निकाल दो और ये देखिए पास लिखा आ रहा है, सक्सेस हो चुका है, पास है। अब आपका फ़ोन को देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ये रीस्टार्ट हो रहा है और अब हम चेक करते हैं, इसका कैमरा चेक करते हैं कि अभी भी प्रॉब्लम आ रही है या ठीक हो चुका है। मैं पासवर्ड लगाता हूँ और ओपन किया, अब मैं कैमरा ओपन करता हूँ इसका। देखिए मैं कैमरा ओपन किया और आप देख सकते हैं कि कैमरा सही हो चुका है। ये मैंने बैक कैमरा किया, अब ये देखिए बैक कैमरा और ये सेल्फी कैमरा, दोनों कैमरा प्रॉपर चल रहे हैं। ऐसे आप सैमसंग J2 का कैमरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।